प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक 3 दिनों के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जिसके लिए वे सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। बता दें, मुकुल वासनिक भोपाल, सागर, जबलपुर और रीवा के दौरे पर रहेंगे। दौरे के समय नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस बीच मुकुल वासनिक का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस के सदस्यों से संगठन की स्थितियों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही मुकुल वासनिक ने कई बातें की, आइए आपको भी सुनाते हैं मुकुल वासनिक ने अपने बयान में क्या कहा। देखिए, मैं आज यहाँ पर भोपाल हूँ, कल हम सागर जाएंगे, फिर जबलपुर और फिर रीवा। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे साथी हैं, अग्रिम संगठन के हमारे साथी हैं, उन तमाम साथियों से आज संगठन की क्या स्थिति है, वहाँ पर स्थानीय हमारे सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं, किस तरह से हम स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में लगे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम राय मशवरा करेंगे और फिर इसी सिलसिले में और आगे में दूसरे संभागों में मेरा जाने का कार्यक्रम रहेगा। हाँ, क्या विधायकों को इस्तेमाल किया जाएगा, चुनाव लड़ाए जा सकते हैं? देखिए, अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम नेताओं के साथ, जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों के साथ चर्चा करने के बाद में फिर कैसे फैसले लेने हैं चुनाव के संदर्भ में, उसके बारे में अंतिम फैसला करेंगे। आप कितना मानते हैं सर, पुनर्गठन की जरूरत है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की? देखिए, संगठन तो किसी भी समय ऐसा रुका हुआ नहीं रह सकता है। एक लगातार हमारी कोशिश रहती है कि नई ऊर्जा संगठन के साथ जुड़ते चले जाए, अनुभवी हमारे जो साथी हैं उनके अनुभवों का लाभ हम संगठन को मजबूत करने की दिशा में लेते रहे, तो ये एक लगातार बनी हुई प्रक्रिया है। किसी भी समय पर ये रुक नहीं सकती, ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है।